जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। अरज अरज की प्रॉब्लम है की है, ये जेडी प्रॉब्लम दी गल कर रहे हैं, ये की है सर? सर यह हैगा, मैं 2013 दी गल है, मैनू प्रॉब्लम होंदी सी हर मतलब साल च 3 वारी निमोनिया हो गया सीगा। 3 वारी निमोनिया होया, पहले फैब च होया, फिर अगस्त च होया, फिर अक्टूबर च होया। अक्टूबर च जो होया उन्होंने फिर सिगमा हॉस्पिटल एडमिट सीगा, 3 वारी सिगमा हॉस्पिटल वाले ने उत्थे रैफर करता सानू PGI। असी PGI गए, 10 दिन इलाज चलिया, सारा डायग्नोस होया। तो डायग्नोस होने तो बाद पता लग गया कि मेरे अंदर जिहड़े बीमारी नाल लड़न वाले कीटाणु आ नहीं बनते, एक्सएल प्रॉब्लम है। तो वो करके की कहते, हर महीने एरा इंजैक्शन चाहिए, एक एक इंजैक्शन होंगे 5 ग्राम का, तो वह होंगे 6 से 7 हज़ार का। तो इस टाइम मैंने लगता भी 4 मतलब 25 से 30 हज़ार के बीच इलाज लगता। तो वह की कहते हैं सरकार, सरकार ने पहले दी भी उन्होंने जेडे सर सरकारी स्कूल से पढ़ते बच्चे, प्राइवेट स्कूल जो बच्चे पढ़ते उन्होंने कोई हेल्प नहीं है, जेडे सरकारी चाहे सिर्फ उन्होंने। तो हम सरकार ने भी लिमिट रखी हुई है कि 18 साल तक ही देना, असं जो बच्चा 18 साल तो उत्ते हो गया वह असी इलाज बंद कर देना। 18 साल तक कोई भी नहीं कमा कुछ, ना कुछ पढ़ पढ़ाई पूरी होती, ना कुछ कमा सकता। तो यह तो सारे लिए औखा है। इंजैक्शन ला जो इंजैक्शन उन्होंने दसिया, उन्होंने लोंग लाइफ किया कि जिदा जिदा बंदे वे होना इंजैक्शन होर वधने ही है, मतलब इलाज महंगा ही होना। हम गवर्नमेंट वालों PGI ने कहता है कि कोई गड्डी चलांदा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ते उन्हां तो 25-30 हज़ार रुपया इन्ना कमांदे नहीं, घर भी देखना उन्होंने सारा कुछ, जे इलाज कमांदे ही इन्ना नहीं, 25 से 30 हज़ार किदां खर्च लैणगे इलाज ते। सरकार में यही है कि बच्चे की हेल्प करन, सपोर्ट करन, जब तक बच्चा अपना सही मतलब पढ़ लिखना जाए, कमाना ना शुरू कर दे, और तक घट्टो घट्ट वाला इलाज स्पोंसर किया जाए। बाद चो जो बच्चा वधिया नौकरी लग गई, वधिया काम हो गया, उस तो बाद अपने पैर तक खलो के की कहते अपना इलाज करा पाए, किसी डिपेंड ना होना पाए बच्चे। हाँ जी मैम, बेटे कि प्रॉब्लम है, बेटे ने 2013 च पता सानू लग्या, PGI असी लै के गए, 12 दिन एडमिट रहा इतने। उन्होंने दस्या भी यदा ना इंजैक्शन लगेगा इनू भी 25 हज़ार तक खर्चा है, यदा भी 4 इंजैक्शन लगन गए इंजैक्शन। तो असी हर महीने सानू पहले असी कराते रहे इलाज, हूँ मेरी 2 वड्डियां बेटियां भी है, वह भी पढ़ रही ने। हूँ मैं देखो की कर सकती हाँ, पिछे जी दे पापा भी बीमार हो गए, उन्होंने कैंसर हो गया सीगा, तो उन्होंने हजे तक इलाज चलता पिया। तो हुण बेटे नूं भी देखना, बेटियां नूं भी देखना, तो मैं की कर सकती हाँ दसो। सरकार नूं चाहिए भी जिदा लोकी बिजली दे बिल फ्री कर रहे आ, बसा दे किराए फ्री कर रहे आ, इन्ने जरूरी नहीं है, जरूरी है बच्चों का इलाज होना। PGI इस टाइम किन्ने बच्चे है, इन्हां नूं चाहिए भी उन्हां दा इलाज जिहड़ा करदे वे उह नहीं बंद करना चाहिए। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। एक बीमारी है हाइपोगामा ग्लोबुलनीमिया, ये बच्चों होंगी है, एंटीबॉडीज़ बनना बंद हो जाता है। तो पंजाब सरकार जो 30,000 रुपया बच्चों जो गरीब बच्चे है उन्होंने पर बच्चा जोड़ा है पर चाइल्ड वो PGI देंगे सके, और जो भी आम आदमी पार्टी सरकार आई है उन्होंने 30,000 रुपया बंद करता देना PGI। बड़े शर्म की गल है, एक पास तुम कहने हो कि मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं, तो दूजे पास जरा ऑलरेडी इलाज जोड़ा है वो छोटे बच्चों लिए जो गरीब बच्चों जोड़ा है सरकार दे रही थी वो आप बंद करता। सो मान साहब जरा ढंग काम करो, मैं तो मुख्यमंत्री साहब कि भी आप जे इलाज बच्चों लिए हो रहा है और वो बीमारी भी ला इलाज है, जो आप कही कि भी वह देना ही पैना पैसा कि भी आप जनरेट जो क्योंकि एंटीबॉडीज बननिया बंद हो जाए, तो इलाज यही है कि भी परमानेंट वो
ਜੀ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈਪੋ ਗਲੋਬਲ ਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।